हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत डिटेल में डेटा फॉर्मेट नहीं बताने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ कहां कहां पे की चेंजेस है मैं वो बताऊंगा, कैसे फाइंड आउट करना है वो बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं डिटेल बताने जाऊंगा तो पूरा का पूरा टाइम इसी में चला जाने वाला, कोई मतलब नहीं बनता। हमें अगर क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है डेटा फॉर्मेट से, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है जी, रेडी है? तो चलो, डेटाबेसेस जो अलग अलग से जो सोर्सेज होते हैं, एनसीबीआई के कुछ यहाँ पे टूल्स दिए हुए, कौन कहाँ पे क्या पाया जाता है, मॉलिक्यूलर डेटाबेस, प्रोटीन सीक्वेंस, जीन जीनोम, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो। नाउ दिस इज व्हाट द जेन बैंक डेटा। ये क्या है? ये जेन बैंक का डेटा है जो जेन बैंक पे पाया जाता है। जेन बैंक में याद रखना कुछ छोटी चीजें, देखना पहली चीज कि जेन बैंक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बताऊंगा वो ध्यान रखने की कोशिश करना कि यहाँ पे लोकस मेंशन होगा। ठीक है, लोकस मेंशन होगा जेन बैंक में, लोकस मेंशन होगा, ओरिजिन लिखा होगा यहाँ पे, जहां जहां पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं उस चीज को मेंशन करना। लोकस लिखा होगा जेन बैंक में, ओरिजिन लिखा होगा, और नंबरिंग हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में नंबरिंग है। और सीक्वेंस यहाँ पे जो रहेगा उसकी एंडिंग डबल स्लैश से होगा। ये डबल स्लैश दिख रहा है, एंडिंग जो हो रहा है डबल स्लैश से हो रहा है। नंबरिंग 61 60 सीक्वेंसेज एक साथ में रहते हैं, उसी हिसाब से ये कई सारे सीक्वेंसेज चले जाते हैं। समझ में आया? यहाँ पे जो कुछ चीजें होती है, डेफिनेशन, एक्सेशन, वर्जन, कीवर्ड, सोर्स, ये सारी चीजें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया रहता है। ये डेफिनेशंस यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ एंट्री, ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। लोकस, डेफिनेशन, ओरिजिन एंड नंबर, लोकल, डेफिनेशन, ओरिजिन एंड नंबर आपको दिखा जेन बैंक में इंपॉर्टेंट चीज। ये आपको अब देखना कि कैसे ईएमबीएल में अलग होगा। ये देखना डीडीबीजे का फॉर्मेट है। डीडीबीजे फॉर्मेट में, डीडीबीजे और जेन बैंक के फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं होता। देखना डीडीबीजे और सिमिलर टू द जेन बैंक फॉर्मेट, बट यहाँ पे ओरिजिन जो होता था, ओरिजिन जो अभी आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मेंशन की, ओरिजिन के ऊपर यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखा हुआ है कि कितना ए है, कितना टी है, कितना जी है, कितना सी है। डीडीबीजे में और जेन बैंक में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लिखा होता है, न्यूक्लियोटाइड नंबर मेंशन होता है, एटीजीसी का नंबर मेंशन है। समझ में आया? ये नंबर मेंशन होता है डीडीबीजे और ईएम जेन बैंक में, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का नंबर मेंशन हो गया, तो ये हो गया डीडीबीजे। ठीक है, आगे मूव करता हूं। चलो अब ईएमबीएल का देखना, ईएमबीएल पे कैसा फॉर्मेट होता है। ईएमबीएल में लोकस जो मैंने अभी कुछ देर बताया, लोकस ओरिजिन याद रखना, यहाँ पे अभी कुछ देर देखा था लोकस डेफिनेशन ओरिजिन, लोकस डेफिनेशन ओरिजिन, यहाँ पे कुछ वैसा नहीं होता। लोकस की जगह यहाँ पे होता है आईडी, क्या होता है देखो, आईडी होता है। और इसमें हर नाम इस तरीके से नहीं लिखा रहता, यहाँ पे एसी एक्सेशन नंबर को एसी लिखा रहेगा, डेट और फॉर्मेट डीटी, कीवर्ड को केडब्ल्यू लिखा रहेगा, इस तरीके से पूरा नाम नहीं लिखा रहता, शॉर्ट फॉर्म में मेंशन रहेगा। किस फॉर्म में? शॉर्ट फॉर्म में मेंशन रहता है, शॉर्ट फॉर्म में। और एक ब्लैंक लाइन छूटी रहती है, ये देखना कि ईएमबीएल फॉर्मेट में आईडी के बाद एक XXXX इस तरीके से करके पूरी एक ब्लैंक लाइन छूटी रहती है, पूरा एक ब्लैंक लाइन रहेगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और वहां पे ओरिजिन था, ओरिजिन की जगह यहाँ पे सीक्वेंस आता है, नॉट ओरिजिन, सीक्वेंस आता है। और इसमें आप देखोगे नंबरिंग दूसरे साइड है, दैट इज ऑन द राइट साइड। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? मैं डिफरेंस बता रहा हूं कैसे आइडेंटिफाई करोगे तीनों डेटा बैंक को आपके लिए, जेन बैंक, डीडीबीजे और ईएमबीएल के लिए। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब देखना फास्टा फॉर्मेट, फास्टा फॉर्मेट, फास्टा फॉर्मेट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। फास्टा फॉर्मेट में यहां पे क्या होता है, यहां पे याद रखना, ठीक है, व्हाट इज दैट, दैट इज द डैश, याद है, डैश याद रखना फास्टा फॉर्मेट में। क्या कोड बता रहा हूं, कोड क्या है, कोड है दैट इज द आई डैश।
ठीक है, व्हाट इज डैश, आई डैश या कोई आई का नाम हो, अपना नाम रख के दास रख लेना, जो भी व्हाट एवर आपको लगे, ठीक है। तो क्या है आईडी, आईडी के बाद डेटाबेस, एक्सेशन नंबर, सीक्वेंस, ये रहता है डेटाबेस, सीक्वेंस नंबर, ये छोटी सी चीजें होती है, इंफॉर्मेशन याद जो रखने वाली है यहाँ पे दो चीजें। पहली कि यहाँ पे जो एंडिंग होती है वो स्टार मार्क करके होता है, स्टार मार्क करके, स्ट्रिक मार्क जिसको बोलते हैं, एंडिंग होता है, और 80 सीक्वेंस होते हैं एक एक पूरे के पूरे लाइन में। दूसरी चीज जो होता है इस तरीके का एरो बना होता है, एरो दिख रहा है, ये एरो इस सिंबल में होता है, दैट इज व्हाट द ग्रेटर देन साइन, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन साइन बोलते हैं। ये क्या है, ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन साइन से बना होता है, इंडिकेट्स दैट जो इंक्लूड होगा इसको, इस पर्टिकुलर ग्रेटर देन साइन का ये मतलब होता है, जब हम इसको पुट करते हैं ना किसी सॉफ्टवेयर में, किसी भी टूल में, तो ये इस लाइन को स्किप करके सीधा सीक्वेंस रीड करना शुरू कर देगा, दैट ग्रेटर साइन, यहाँ पे लिखा हुआ सारी इंफॉर्मेशन आपको लिखी हुई, ग्रेटर साइन इंडिकेट्स दैट दिस रो नॉट इंक्लूडेड इन द अलाइनमेंट ड्यूरिंग द एनी टास्क परफॉर्म्ड बाय द एनी सॉफ्टवेयर, इसका यही मतलब होता है, स्किप द रो। एंड एंड साइन एस्ट्रिक मार्क होता है, जैसा कि मैंने मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ये सारी चीजें हो सकती है। यहां तक समझ में आया, इसमें याद रखना ग्रेटर साइन होता है, ग्रेटर साइन, ठीक है। चलो अब देखना यहां पे क्या है, दैट इज जी, जी आई था, ठीक है, ये चीज मेंशन करना भूल, ग्रेटर साइन के बाद जी आई होता है, दैट इज व्हाट द फास्टा, फास्टा और एनबीआरएफ पीआईआर में बहुत कंफ्यूजन होता है। एनबीआरएफ पीआईआर में देखना, यहां पे भी ग्रेटर देन साइन है, लेकिन यहाँ पे या तो पी होता है और एफ होता है। पी का मतलब होता है क्या, फुल लेंथ प्रोटीन, और एफ का मतलब होता है फ्रेगमेंटेड प्रोटीन। यहाँ पे जी नहीं होता, यहाँ पे पी और एफ होगा, और जो भी सिक्वेंस चलेंगे वो आपका सिर्फ और सिर्फ उसके नीचे वाली लाइन में होता है। वन का मतलब होता है लीनियर, और टू का मतलब होता है सर्कुलर, पी वन हो सकता है, एफ वन हो सकता है, पी टू, यस आपका पी एफ टू हो सकता है। ये आपका फास्टा से काफी सिमिलर होता है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। कैसे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स ये ग्रेटर देन साइन होगा, उसके बाद पी कोड फॉर द कंप्लीट सीक्वेंस एंड एफ फॉर द फ्रैगमेंट सीक्वेंसेस वन और टू फॉर द लीनियर एंड सर्कुलर। ये चीज यहाँ पे याद रखना कि पी और एफ जो होता है, जो आएगा वो एन बी आर एफ पी आई आर में आएगा, याद है इसी के नाम में क्या आ जाता है, अगर पी और एफ की बात हो रही है तो इसके नाम में ये एन बी आर एफ पी आई आर, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स, एफ और पी इसी में आ रहे हैं, तो इसी को रख लेना, एफ से फ्रेगमेंट है। जस्ट सपोज नॉट, मैं ये एक्चुअल एफ का फ्रेगमेंट नहीं होता, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं एफ से रिलेट करना कोड के तौर पे, एफ से फ्रेगमेंट एंड पी से प्रोटीन या फुल लेंथ। समझ में आया, इज इट क्लियर फॉर रिमेंबरिंग द थिंग्स। चलो जीसीजी फॉर्मेट में क्या होता है, बेस काउंट होता है, यहां पे बेस काउंट होता है, एज सिर्फ और सिंपल देखो, बेस काउंट है, ओरिजिन है, उसके बाद ये सारी चीजें चल रही हैं, कुछ और है नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है जीसीजी फॉर्मेट, बेस काउंट, ओरिजिन, फाइल नेम है, सारी चीजें, और ये नंबर 151 101 इस तरीके से चल रहा है, ये जीसीजी फॉर्मेट है, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल सीक्वेंस फॉर्मेट, मल्टीपल सीक्वेंस फॉर्मेट में यहां पे सबसे पहले अगर एन एन लिखा है, अगर यहाँ पे एन एन लिखा है उसका मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, उसका मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड, अगर वो ए ए लिखा है तो इसका मतलब होता है अमीनो एसिड। ये मल्टीपल सीक्वेंस आप देखोगे कि ये सीक्वेंसेस क्या, नेम वन, नेम टू, नेम थ्री है, फिर उसके बाद मल्टीपल सीक्वेंसेस के फॉर्म में है, ये खुद दिया होगा, गैप वेट कितना है, गैप लेंथ वेट कितना है, सारी चीज इसमें मेंशन होता है, अभी हम इसके बारे में आगे देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज द मल्टीपल सीक्वेंस फॉर्मेट, इज इट क्लियर। डेटा फॉर्मेट के बारे में मैं बात करता हूं, डेटा फॉर्मेट के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो डेटा फॉर्मेट समझने की कोशिश करना क्या होता है। कई सारे फॉर्मेट बताए थे आपको, जेन बैंक बताया, जेन बैंक का फॉर्मेट बताया, डीडीबीजे का फॉर्मेट बताया, डीडीबीजे का फॉर्मेट बताया, उसके बाद मैंने ईएमबीएल का फॉर्मेट बताया, उसके बाद हमने फास्टा का फॉर्मेट आपको बताया, उसके बाद एनबीआरएफ पीआईआर का फॉर्मेट बताया, उसके बाद हमने जीसीजी का फॉर्मेट बताया, और उसके बाद हमने मल्टीपल सीक्वेंस का फॉर्मेट बताया, ठीक है। ये कुछ फॉर्मेट्स बताया था, जेन बैंक में आपको कुछ चीजें याद करनी थी, लोकस याद करना था, डेफिनेशन याद करना था, उसके बाद ओरिजिन याद करना था, ओरिजिन, और
एंड जो होता था डबल स्लैश से होता था, ये याद करना था। डीडीबीजे में आपको याद रखना था ओरिजिन के बाद, ओरिजिन के जस्ट बाद एटीजीसी काउंट लिखा हुआ था, एटीजीसी का नंबर लिखा हुआ था, सेम एज जेन बैंक से, बाकी जो था सेम एज जेन बैंक के हिसाब से हो रहा था। उसके बाद हमने ईएमबीएल में देखा, यहाँ पे ओरिजिन के बजाय आईडी से शुरू हो रहा था, आईडी था और इसमें शॉर्ट फॉर्म में चीजें लिखी हुई थी और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे जो नंबरिंग थी, एक चीज और मैंने बताया था, नंबर यहाँ पे था लेफ्ट साइड में था और यहाँ पे नंबर जो था वो राइट साइड में था, ठीक है। ये चीजें बताई। फास्टा में आपको क्या था, ग्रेटर देन साइन के बाद G1 मिलता था, ग्रेटर देन साइन के बाद G1 मिलता था और यहाँ पे ग्रेटर देन साइन के बाद P1 और ग्रेटर देन सेट के बाद P2 मिल सकता है और ग्रेटर देन सेट के बाद F1 या F2 मिल सकता है। ये मिलता है NBRF PIR में। GCG में आपका सीधे सीधे बेस काउंट से शुरू होगा, बेस काउंट से अगर कोई चीज शुरू हो रही तो GCG है और यहाँ पे या तो AA से शुरू होगा या NN से शुरू होगा। क्लियर है, दैट इज व्हाट द, इतना ही आपको दिखना है आइडेंटिटी अगर फाइल फॉर्मेट पता करना है तो, ठीक है। चलो, सो होप यहाँ पे क्लियर होगा। मैं अभी सेशन एंड करूंगा और जस्ट एक मिनट बाद, एक दो मिनट बाद मैं दोबारा दूसरे सेशन में आऊंगा और इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन। जस्ट आफ्टर वन और टू, ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर। CSIR नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके CSIR नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।